है जो हर क्लासेस में सिखाया जाता है, मतलब बहुत सारी जगह पे सिखाया जाता है कि ये अपर ब्लॉक, जैसे अभी करके दिखा दे आपको वो ब्लॉक के बारे में, देखो से डाउन, देख अपर ब्लॉक है ना, मिडल ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ओके, ये जो ब्लॉक है ये स्टांस में लेते हैं, लेकिन ब्लॉक तो है ही, लेकिन ब्लॉक के साथ किस तरह से वो अटैकिंग तौर पे यूज होता है उसके बारे में आज का वीडियो, कि ब्लॉक के साथ साथ उसको अटैकिंग किस तरह से किया जाए, मतलब वो उसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ब्लॉक तो हम लोग करते हैं, जैसे कहो मिडल में पंच अटैक, मिडल 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 वन मिडल पंच, ओके देन यही है जिस लाइक टू थ्री अटैक वन वन डिफेंस मिडल टू थ्री, तीन मूवमेंट में। जैसे अपन मिडल ब्लॉक करते हैं, जैसे मिडल ब्लॉक किया गया है, ये मिडल ब्लॉक किया हम लोगों ने अभी, कैच टू टू, सेकेंड थिंग वन वन टू थ्री, ट्रिपल में फर्स्ट में वन टू, क्या करना है ये जो हैंड है इस हैंड को हम लोग यहाँ पे कैच करने के बाद, जैसे मिडल ब्लॉक किया, मिडल ब्लॉक किया वन, देन मिडल ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कैच किया, कैच करने के बाद जो ये हैंड है इस हैंड को, राइट वाले हैंड को उसके एल्बो के पास लिया और एल्बो से हम लोग उसको टर्न किया तो वन यहाँ पे, जैसे वन पहला ब्लॉक, मतलब क्या है जब हम लोग फर्स्ट ब्लॉक करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक करने के बाद जब सेकंड ब्लॉक के लिए होता है तो वो हैंड लॉक हो गया, लॉक होने के बाद हम लोगों ने उसको दूसरा जब ब्लॉक करने गए तो वो पूरा फोर्स के साथ उसका हैंड ब्रेक के लिए लेके गए। कभी भी हम लोग एक बात देखते हैं कि भाई हम लोग बच्चों को तो प्रैक्टिस करवाते हैं हमेशा, हम लोग भी वही करवाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं बताते कि भाई ये होने के बाद ये खाली ओनली वन ब्लॉक है क्या। जैसे जेनको से रेजिस्टेंस है, जेनको से रेजिस्टेंस हमने लिया, सामने पंच अटैक करने आए, स्टेप मिडल 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 पंच वन, मिडल पंच के लिए आया तो ये बॉडी टर्न करना है, जैसे यहाँ पे अटैक किया दूसरे वन देन टू ब्लॉक। तो जिनको से रेजिस्टेंस हुआ या फिर हम लोगों ने कीबोर्ड रेजिस्टेंस हुआ, इस स्टांस में भी इस ब्लॉक को हम लोग यूज करते हैं। सर अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक क्या होता है कि अपर ब्लॉक हेड लेवल पे ब्लॉक होता है, सर वन अपर ब्लॉक किया ना हम लोगों ने, सर सेकेंड ब्लॉक कैसे कैच टू टू, मतलब सेकेंड नंबर अटैक, नंबर वन ब्लॉक सेकेंड नंबर अटैक, सेकेंड नंबर अटैक मतलब उसको डिफेंस ना करते हुए, सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर को डिफेंस ना करते हुए उसको अटैक तौर पे यूज करना है। प्रैक्टिस किया जैसे अपन कराटे की प्रैक्टिस तो हमेशा करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो उसको सेकंड नंबर का जो ब्लॉक का टाइमिंग लेते हैं उस टाइमिंग को बोलना है कि वो ब्लॉक ना होते हुए सेकंड नंबर अटैक के तौर पे करो। तो क्या करते हैं कि हम लोग उसको ब्लॉक को बाहर से डिफेंस के तौर पर डायरेक्ट ना लेते हुए यहां से अपर करते, मतलब हम लोगों ने हैंड को कैच किया और सेकंड वाले को अटैक किया। वापस अगर नहीं समझे तो वापस आप लोग एक बार समझा देता हूं कि पहला जो है फर्स्ट वाला अपर वन, फर्स्ट वाला डिफेंस लिया डायरेक्टली अगेन पोजीशन स्टार्ट वन, लेकिन सेकंड वाला जब बोलते हैं हम लोग कि सेकंड वाला नंबर टू, टू नंबर जैसे काउंट हुआ है एच नहीं काउंट किया तो सेकंड नंबर वाला क्या बोलना है कि उसको अटैक के तौर पे लो, सिलेक्ट वन या फिर टू, कहां पे एल्बो पे। सेकंड थिंग उसको बोलना है कि आप भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो कि पहला वाला वन टू ग्रिप, ग्रिप पे अटैक, लाइक समझो वन
यहाँ पे सिलेक्ट, वन टू ग्रिप, ओके ग्रिप पे अटैक सर। मतलब हम लोग कराटे में बोलते हैं ना कि भाई अपर ब्लॉक, मिडल ब्लॉक, डाउन ब्लॉक, ब्लॉक तो है लेकिन फर्स्ट नंबर ब्लॉक को और सेकंड नंबर अटैक को, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड अटैक, जैसे किक सॉरी साइड किक करो सर, वन वन पहला ब्लॉक, दूसरा अटैक, फर्स्ट डिफेंस अटैक साइड टू वन टू, फर्स्ट डिफेंड सेकंड अटैक, फर्स्ट डिफेंड सेकंड अटैक। पॉसिबल एवरी टाइम क्या होता है कि हमारे साथ जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम लोग जैसे बैठ गए, जैसे डाउन हो गए, डाउन होने के बाद वन टू वन टू वन टू, मतलब वन डिफेंस कैच थ्री अटैक। जैसे हम लोग थर्ड पंच के लिए भी या फिर थर्ड ब्लॉक के लिए भी, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मिडल में गिरी या मिडल बावर से गिरी बैक साइड कैच देन डिफेंस एंड अटैक, कहां पे था इसके ऊपर तीन ब्लॉक है, जैसे अपर मिडल थर्ड, मतलब पहला डिफेंस सेकंड नंबर अटैक, डिफेंस और अटैक ये दोनों के दोनों उसके साथ मिक्स होता है प्रैक्टिस के अंदर। तो ये कराटे का छोटा सा प्रैक्टिस है जो हम लोग एवरी टाइम करते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने बातचीत की आप लोगों के साथ और डिस्कस भी की कि भाई सही में वीडियो आपने पूरा देखना है क्योंकि पूरा बिना देखे तो आपको समझ में आएगा नहीं। लेस्ट सेकेंड थिंग कुक्कुसराजी जो स्टांस है, हम लोगों ने बोला था किबड़ाजी स्टांस में भी ये कर सकते हैं, जैसे सामने वन मिडल मिडल स्ट्रेट वन मिडल मिडल ब्लॉक टू अगेन टू थर्ड मिडल ब्लॉक विथ सेकंड नंबर अटैक जस्ट लाइक वन टू अगेन टू लाइक इस साइड में सर वन टू अगेन वन टू अगेन वन टू स्ट्राइक अपर वन टू अगेन वन टू अगेन वन टू अगेन वन टू लाइक दिस, मतलब अटैक फर्स्ट डिफेंड सेकंड नंबर अटैक, फर्स्ट डिफेंड एंड सेकंड नंबर अटैक, सेम किक का थर्ड नंबर ब्लॉक लाइक अटैक वन डिफेंस, क्या हुआ है डिफेंस देन कैच अटैक लाइक दिस सेम इस साइड वन टू अटैक, कहां पे था इसके ऊपर, मतलब वन टू सही डिफेंस विद अटैक। एवरी टाइम क्या करते हैं कि डिफेंस विद अटैक कैसे होता है इसके बारे में का ये वीडियो था, कराटे में तीन ब्लॉक किस तरह से यूज होते हैं डिफेंस विद अटैक। ओके वैसे तो बहुत सारे ब्लॉक है, बहुत सारे ब्लॉक है लेकिन ये बेसिक ब्लॉक हम लोग हमेशा कराटे में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फर्स्ट ब्लॉक, मिडल ब्लॉक एंड थर्ड नंबर ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक के बारे में इसकी प्रैक्टिस हुई। ओके सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी कर सकते हैं। चलो ठीक है।